रेसिंग कार में आने वाले ये स्पॉयलर्स आज लोग अपनी ऑल्टो और स्विफ्ट जैसी गाड़ियों में भी लगवा रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? अब क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? अब क्या ये स्पॉयलर सिर्फ हवाबाजी के लिए होते हैं या सच में आपको इन्हें अपनी गाड़ी में लगवा लेना चाहिए? देखिए, रेसिंग कार और एयरक्राफ्ट दोनों को ही स्पीड पकड़नी होती है, मगर एयरप्लेन को चाहिए कि स्पीड के साथ साथ हवा उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट भी करे, लेकिन रेसिंग कार में ऐसा नहीं होता। एक कार को आगे पुश करने के लिए फ्रिक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और ये फ्रिक्शन डिपेंड करता है गाड़ी के वजन पर। अब कार का वजन काफी कम होता है, इसीलिए इनको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि चलते वक्त इन पर हमेशा डाउनवर्ड पुश लगे और जितनी ये स्पीड पकड़े उतना ही पुश बढ़ता जाए ताकि गाड़ी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार पकड़ सके। अब यहां मदद करते हैं ये स्पॉयलर्स, ये कार के ऊपर हो रहे एयर फ्लो को डिस्टर्ब करके एयर की स्पीड को स्लो कर देते हैं ताकि ऊपर हाई प्रेशर बन सके और गाड़ी रोड से एकदम चिपक कर चल सके।